अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शहला। आज हम इंग्लिश ट्रैफल बना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने 3 एग योक लिए हैं और हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। और हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हमें जाग फोम में नहीं चाहिए। थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और हम इसमें अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। हम इसमें कोई ऑल पर कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम लग रहा है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें और ऐड करूंगी। ये हमने 1/2 केजी दूध लिया है और इसे हमने गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें जो हमने ये एग बीट किए थे, ये मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको इस तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। अब हम इसे मुसलसल मिक्स करते जाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। अब इसमें मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कस्टर्ड अब रेडी है। ये देखें, ये अब थिक फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड अब रेडी है, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डिकोर करेंगे। ये मैंने जेली पहले से बना के, ये मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है। अगर आपको कोई और फ्लेवर अच्छा लगे तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने बना के इसको पहले से फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। अब हम एक प्लेन केक लेंगे, इसको इस तरह रखेंगे। आप हाफ रखना चाहें तो आप हाफ भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूंगी। कस्टर्ड बहुत मज़े का बना है, आप ट्राई करें और इसका मुझे फीडबैक दें। आप बाउल में भी ये मिक्स करके बना सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी के हम पीसेस रखेंगे। इंग्लिश ट्रैफल अब रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।